लो जी फटा उस्ताद रेगमाल लेके आ गया है। ओ भाई ये खराब हो जानी है सारी। ये है जी ज़ियान भाई, इसको आपने फॉलो जरूर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी हमारी जो है ना वो कंपाउंड हो गई है, दूर से ही नज़र आ रही है कि लश बिल्कुल वाइट नज़र आ रही है। तो ये देखें जी माशाल्लाह जी, पीलापन जो था ना वो सारा जो है ना इसका ख़त्म हो गया है। तो माशाल्लाह जी अब कुछ लुक भी नज़र आ गई है। फुटबॉल भी जो है वो भी बना दी है उस्ताद ने माशाल्लाह जी, काम जो है ना वो अच्छा कर रहे हैं। अभी उस्ताद जी थोड़ा साइड पे होना ज़रा, ये देख लें, ये अभी डिग्गी रहती है उसका कलर देख लें और इसका कलर चेक करें, दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। बम्पर भी माशाल्लाह जी कलर हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं जी माशाल्लाह जी प्यारे। फुटबॉल जो है ना वो भी माशाल्लाह जी हमारी फाइनल हो गई है। ये देखें जी अभी डिग्गी रहती है, ये ऊपर से भी काम हो रहा है इसका, इसकी मैल जितनी भी है ना इसके ऊपर वो सारी उतर रही है अभी। सही, ये इधर से होना है अभी, ये देखे ना जरा ठीक है। ये यार ये पेपर वगैरह भी उतारना है सर जी, ठीक है। ये अंदर से भी हाथ पला इसको लगाना है। तो मुझे लगता है कि दिन तो काफ़ी टाइम तो लग जाना अभी। चलें जी माशाल्लाह जी, लुक जो है ना ये अच्छी नज़र आ रही है। खड्डा उस्ताद है जी, ये बम्पर रिपेयरिंग इसने किए हैं। तो अभी जो है ना ये एसी का जो जिधर फिल्टर लगता है वहाँ पे बाहर जो उसके कवर लगा होता है ना उसका लाग एक साइड जी टूट गया था, वो लाग जो है ना ये अभी बना रहा है। उस्ताद जी बन गए फिट कर रहे हैं लाग, तार का लगाया बना के। थोड़ी सी वीडियो ज़रा साफ़ नहीं आ रही थी क्योंकि फ्रंट से जो है ना इधर से रोशनी वगैरह आ रही थी, इस वजह से साफ़ नहीं आ रही। तो बाकी अंदर अभी वो काम भी अभी रहता है, कंसोल बॉक्स जो है ना वो भी चेंज करवाना है। तो हालत अभी ये नहीं कि अभी टाइम लग जाना है मेरे ख्याल से ना काफ़ी। ज़रा अफजल जब्बार साहब, जब्बार साहब गर्दन को क्या हुआ है? चुक पड़ गई है। हाँ चुक पड़ गई है। तो ये मैं ये काम तो करें, ये तो उतार दें ऊपर से, पेपर लगा होगा इसके। ये हम नया लगाने के चक्कर में थे। नहीं नया नहीं लगाना, ये पेपर लगा होगा यार ऊपर, ये जेन्युइन है ना लगा हुआ, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, इसको उतार दें। ये तो वीआईपी हो जाएगा। हाँ ये भी मैं कर देता हूँ। हाँ ये इसके पेपर लगा हुआ है, ये उतार दो। पीछे वाला भी है ना उसके भी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो उसको भी यार साफ करवा दें। ये देखे ना उतर रहा है ऊपर से, ये देखें ये काफ़ी साफ़ हो गया। अभी इसके ऊपर बफ लगेगी ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके ऊपर ना पेपर लगाया हुआ था जिसकी वजह से ना ये ख़राब लग रहा था सारा। अभी जी इसको लगाने लगे हैं जी, केमिकल कह रहे हैं कि भी इस तरह का हो जाएगी बिल्कुल साफ। अभी देखते हैं कि भी क्या बनता है इसके केमिकल का। ये भाई केमिकल सही नहीं है, आपने किसी को खराब खराब दे दिया आपको। मुझे कह रहे हैं कि भी केमिकल लेके आया हूँ तो इसकी ज़रा वीडियो बना लें, इसको ज़रा बिल्कुल ना चमक जाएगा ये। अब कह रहे ये तो हो ही नहीं रहा। उस्ताद जवाहर साहब ये क्या हो गया है, ये तो हो ही नहीं रहा। भाई इसके ऊपर ना वो जमी हुई है, वो यार वो सोल्यूशन नहीं होती अंदर लगी हुई पेपर के अंदर, वो इसके ऊपर जो है ना वो जमगी हुई है। ये पेट्रोल के साथ उतरेगी मेरे हिसाब से, पेट्रोल के साथ उतरेगी, फिर जब कंपाउंड जो इसके ऊपर मारेंगे ना फिर साफ होगी ये। लो जी फटा उस्ताद रेगमाल लेके आ गया है। ओ भाई ये खराब हो जानी है सारी। हो रहा है यार, लगाओ थोड़ा सा लगाओ इसको। हाँ हाँ हो रहा है ठीक है लगाओ, कुछ तो होगी ना यार, फिर बाद में पेट्रोल लगा के इसको साफ कर देंगे ना यार अच्छी तरह। असल में ये जेन्युइन है तो मैं फिर इसलिए इसको उतारना नहीं चाहता। इसको भी बनाना है, इसको बनाओ देखो ये कैसे बनेगी सारी। केमिकल वगैरह को मार देने, पता नहीं की मार देने वो सारे थले सारा। मिठाई जी मैकेनिक ने, पेंटर ने और डेंटर ने मुझसे मंगवाई है, किस खुशी में जी, गाड़ी को कंपाउंड किया है, बम्पर रिपेयर किया है। अब ये देख लें जी ये सारे खड़े हैं सामने। साहब मैकेनिक साहब इधर जरा फेस तो दिखाएं अपना। अच्छा भी मुझे नहीं दे रहे मिठाई, खुद ही खाई जा रहे हैं सारे। ये सामने जो भाई खड़ा ना ये पेंटर है, और ये जो खड़ा है ना ये जबार, ये डेंटर है। तो उस्ताद जो है ना मैकेनिक वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता। उस्ताद कासम साहब इधर जरा तश।
अच्छा, इसका ऑयल वगैरह और ऑयल फिल्टर तो ऑयल के साथ चेंज होता ही होता है। एयर फिल्टर भी जो है ना वो भी मैंने चेंज करवा रहा हूँ। अच्छा, इसी एसी का जो फिल्टर है ना वो भी मैंने चेंज करवाया। तो एसी वाले फिल्टर की मैं आपको एक बात बता दूँ कि एसी वाला जो फिल्टर है ना वो ज़्यादातर जो है ना लोगों ने दो नंबर रखे हुए हैं, दुकानदारों ने वो एक नंबर फिल्टर जो है ना वो रखते ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो मोटा होता है फिल्टर, ऊंचाई में ज़्यादा होता है, दूसरा वो साइज़ में भी पूरा नहीं होता, थोड़ा सा छोटा ही होता है। तो कोशिश करें कि भाई कल्टस का जो ना एसी वाला जो फिल्टर है ना वो अच्छा और पूरा साइज़ में देख के लें। गाड़ी जी माशाल्लाह जी सारी कंपाउंड वगैरह होके ओके हो गई है। अब ये इसके कवर जो है ना हमने उतारे हैं, तो ये हम ये इसके कवर जो है ना वो कलर करवा रहे हैं, तो ऑयल वगैरह भी चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर भी यानी कि वो भी लग रहा है। तो बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी लुक निकला ये गाड़ी का, पहले ना येलो येलो कलर हो गया था इसका, तो अब जो है ना माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त कलर हो गया। और ये है जी ज़ियान भाई, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मशहूल होती रहे। ये जी हम रैगजीन के लिए नीचे, और ये जो है सीट कोशिश के लिए हम करवा रहे हैं। ये देखिए, और ये जो पहले लगी हुई है वो वैसी ये है, ये और एक ये है फुल ब्लैक कलर है वो वाली। तो हमने जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ये है। ये सारा जो है ना पीछे से सीट वगैरह निकाल दी और प्लास्टिक वगैरह भी सारा निकाला। मिट्टी देखे अंदर कितनी है इसके अंदर, ये देखें अंदर भरी हुई है। बाइक की चाबी एक ये पड़ी हुई है, सामान देखे निकल रहा अंदर से, ये देखें। ये यार ये सीट के नीचे चूहे थे क्या था यार, पता नहीं चूहा तो नहीं था नीचे? नहीं नहीं। ये कैसे ये सारा चूरा चूरा हो गया यार नीचे यार। रैगजीन का भी बुरा हाल हो गया सारा, बच्चों कैंडी वगैरह के शॉपर जो है ना वो भी सारे नीचे इधर ही पड़े हुए हैं। ये जी चले एक बार खुल के सर्विस हो जाएगी ना जरा जनरल, तो बिल्कुल जरा साफ हो जाएगी। ये खुल के एक बार इसकी जो ना अब मुकम्मल सर्विस हो रही है, तो ये समझ रहे कि चार पाँच साल जो है ना जान छूट जाएगी, फिर दोबारा चार पाँच साल बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर करवा लेंगे। रैगजीन फ्रंट से तो तकरीबन सही था, लेकिन फिर भी मैंने चेंज करवा दिया, मैंने कहा यार चेंज कर दो। हालत काफ़ी जो है ना बुरी हो गई थी, छत भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदी हो गई थी। तो अभी ये सामान वगैरह जितना भी पड़ा ये सारा खोल दिया है। ये जी इसकी पिलाहट वगैरह अंदर से जो है ना चेक करें और बाहर से देखें, बाहर से कलर वाइट है क्योंकि ये कंपाउंड वगैरह हो गई है, और अंदर से जो है ना ये पिलाहट हो गई। सारी पिलाहट जो है ना ये सर्विस के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगी, वाइट कलर हो जाएगा।